बहराम खान जी, अब यहां से आगे आपके टुकड़ी को चलने की अनुमति नहीं है। यदि आप चाहें तो अपने टुकड़ी से सिर्फ एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। चलिए। रानी साहब, कुंवर जगमाल को हमें दीजिए, कम से कम आपको चलने में सुविधा तो होगी। नहीं कोकोया जी, हमारे पुत्र को हमारे पास ही रहने दीजिए, वरना आजकल जिसके हाथ में सत्ता आई है वो हमारे पुत्र को समाप्त ना करते। समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है। बहराम खान, कुंवर प्रताप, आप दोनों का हमारे जंगल में स्वागत है। बागियों के लिए क्या सजा होती है सुल्तान सिंह जी? मृत्यु दंड। हमें क्षमा कर दीजिए पुत्र। ये तो मात्र चाल है बैरम खान, अब तुम्हारी पूरी सेना को समाप्त कर देंगे हम। तुम्हारी बहन को तो हमने तुमसे छीन लिया, और अब तुम्हारी माँ को तुमसे छीनने आ रहे हैं हम। जब हमारे जंगल में बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें न केवल अपने हथियार छोड़ने पड़ते हैं, उनको अपनी व्यक्तिगत शत्रुता और मित्रता हमारे भरोसे छोड़नी पड़ती है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जंगल में बाहर से कोई भी आए, चाहे वो जो भी हो, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे पहले कि हम काम की बात में लग जाएं, हम आपका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। हम भील भी अपने अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। आइए। कुंवर प्रताप, आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राणा खेता जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम वहां नीचे आपके लोगों के साथ बैठ सकते हैं? धन्यवाद। आइए गुरु।
किस चीज से बनी है? ऐसी रोटी तो हमने कभी खाई नहीं है। माफ कीजिएगा राणा खेता, हम ये रोटी नहीं खा सकेंगे। आओ कुंवर प्रताप, ये हमारे जंगल के घास की बनाई हुई रोटी है। कुंवर प्रताप को तो ये बहुत पसंद है। अनेकों बार इन्होंने गुरुकुल में विशेष रूप से रोटी अपने लिए बनवाई है, है ना प्रताप? राणा खेता, सीधे मुद्दे पर आते, देखिए अगर आपने मेवाड़ के खिलाफ मुगलों के साथ हाथ मिलाया तो हम वादा करते हैं कि आपको इतना सारा सोना देंगे, इतना सारा सोना देंगे कि आपको कभी ये घास की रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी आपको फिक्र करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं राणा खेता जी, ऐसा करना आपके लिए अपने आदर्शों के विरुद्ध होगा। आप चाहे तो तटस्थ रहे, किंतु जब प्रश्न मातृभूमि की रक्षा का आएगा तब आपको भी अपना परम घातक देशभक्ति वाला रंग दिखाना ही पड़ेगा। ये लोग पहले मित्रता के नाम पर अपना हाथ बढ़ाएंगे, किंतु यहाँ जम जाने के बाद ये हमें अपने अनुसार जीने के रंग ढंग सिखाना आरंभ कर देंगे। फिर ये हमारी संस्कृति को अपमानित करेंगे, हमारी जीवन शैली पर आक्रमण करेंगे, और विशेष रूप से ये जो आपके सामने है ये व्यक्ति तो एक योद्धा कहलाने के योग भी नहीं है। प्रताप, ये एक दस्यु है, एक हत्यारा है ये। प्रताप, बैरम खान, बस अब अगर तुम दोनों में से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे काट दूंगा तुम्हारी। और एक बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहां पर, ना राजपूत और ना मुगल। ये मेरा जंगल है, यहां पर जितना मैं बोलूंगा उतना ही चलोगे तुम दोनों। अपनी अपनी तलवारें अपनी मायान में डालो, डालो। हेलो, कुंवर प्रताप, ये हमें इतना सोना दे रहे हैं कि हमारे लोगों ने कभी एक साथ देखा तक नहीं होगा। और तुम क्या दे रहे हो? मतलब भाषण के अतिरिक्त अभी अभी जो तुमने हमारे सामने झाड़ा, तुम छोटे हो अभी उम्र में, पर इतना तो समझते होगे कि तुम्हारे वंश ने कभी हमें अपना नहीं समझा, हमेशा बाहर वाला समझा है, हमारा तिरस्कार किया है, हमारी बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमारी सीमाओं में प्रवेश किया है। सच कहूं तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। खेता जी, आप इस तलवार को भली भांति पहचानते होगे, नहीं? बप्पा रावल की तलवार?
जी हाँ, ये हमारे पूर्वज बापा रावल जी की ही तलवार है, जिन्होंने आपके पूर्वजों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके पूर्वजों ने अरबियों को खदेड़ने के लिए युद्ध किया था। ये उन्हीं की तलवार है। राणा खेता जी, आपको उन्हीं बप्पा रावल जी की सौगंध, आप इन मुगलों से हाथ मत मिलाइए। हमने अपने दाता से इस पूजनीय तलवार और बप्पा रावल की बहादुरी की कई कहानियां सुनी है। ये क्या कर रहे हैं आप राणा खेता? इस लड़के की फिजूल बातों में आकर आप हमारे इतने सारे सोने के आगे इसे अहमियत दे रहे हैं, इस सड़ी गली तलवार को। बैरम खान, इस पूजनीय तलवार के लिए जो अपशब्द तुमने कहे हैं, इससे पता चलता है कि तुम मुगल सचमुच हृदयहीन और बर्बर हो। हम अवश्य जानते थे राणा खेता जी, आप हमारा ही साथ देंगे, हम आपके बहुत आभारी हैं। नहीं प्रताप, हम तुम्हारी सेना में सम्मिलित नहीं हो सकते। इस तलवार के प्रति हमारे मन में कितना भी सम्मान क्यों ना हो, परंतु वर्तमान परिस्थिति की सच्चाई हम झुठला नहीं सकते। इसका मतलब है राणा खेता कि आप हमारी फौज का साथ दे रहे हैं, है ना? नहीं बैरम खान, हम तुम्हारा साथ देकर इस पूजनीय तलवार का अपमान नहीं कर सकते, परंतु हमारे जंगल से तुम जहां भी जाना चाहो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। कुंवर प्रताप, मैं तुम्हारे लिए इतना तो अवश्य ही कर सकता हूं कि मैं बैरम खान का साथ ना दूं, परंतु इससे अधिक उपेक्षा मुझसे मत रखना, क्योंकि तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारी लड़ाई है, हमारी नहीं। और यदि मेवाड़ को अपनी स्वतंत्रता से इतना ही प्रेम है, तो अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए मेवाड़ को रास्ता स्वयं ढूंढना होगा। हमारे वीर सैनिकों, एक बात समझनी है आप सबको। जी हुकुम। ये बात हम समझाएं या आप समझ जाएंगे? हम समझाएं। आपको हर समय हमें घेर के रखना होगा, समझ गए? जी हुकुम। और एक बात, हम राजा हैं आपके, ये बात मत भूलिएगा, और ये भी मत भूलिएगा कि आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप हर समय हमारी सुरक्षा प्रथम करें। यदि युद्ध में परिस्थिति कठिन हो जाए एवं विपरीत हो जाए, और यदि हम आपको आदेश दे कि पीछे हट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? हाँ, परंतु उससे पूर्व क्या करेंगे आप? उससे पूर्व आप हमें सुरक्षित घेरे में लेकर हमें बूंदी तक पहुंचाएंगे, समझ गए? हमारी सेना वीर है, समझदार है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है आप सबको, और हमें सबको मिलकर मेवाड़ पे आक्रमण करना है और जीतना है ये युद्ध, समझ गए? महाराज राव सुरतन जी की, महाराज राव सुरतन जी की, महाराज राव सुरतन जी की, महाराज राव सुरतन जी की। राणा जी, हमें ऐसा लगता है कि राव सुरतन की सेना में इन मुगल सैनिकों की टुकड़ी भी अवश्य होगी। तो फिर उनको भी हमारे जुझारू सैनिकों की तलवारों से कटने के लिए तैयार रहना होगा रावत जी। जी राणा जी, महाराणा उदयसिंह की, महाराणा उदयसिंह की।
बलगार हो। रुक जाओ, रुको रुको रुको, कोई आगे नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा। यूसुफ जी, ये उदय सिंह जी रुक क्यों गए होंगे? क्या चल रहा होगा उदय सिंह जी के मस्तिष्क में? उदय सिंह जी, हमें तो लगा था कि हम यहाँ युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ युद्ध करने हेतु आए हैं, पर आप तो रुक गए। क्या मंशा है आपकी? हमारे साथ मिलकर आप प्रीति भोज करना चाहते हैं? राणा जी, आपके इस निर्देश से हम भी आश्चर्यचकित हैं। राव सूर्तन सिंह, इससे पहले कि मेवाड़ और बूंदी के इस युद्ध में हम दोनों के सैनिक आपस में रंग की होली खेलें, हम तुमसे अंतिम बार बात करना चाहते हैं। मात्र तुम और हम। उत्तर दीजिए, हम तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं राव सुल्तान सिंह। बातचीत, वो भी युद्ध भूमि के बीच में अकेले? क्या पता सबके सामने हमें उठा के पटक दिया तो हम जाएंगे। बूंदी के साथ इस युद्ध से पहले हम अंतिम बार कूटनीतिक प्रयास करना चाहते हैं रावत जी। मुगलों की बातों में आकर बूंदी और मेवाड़ के बीच युद्ध राजपुताने के लिए शुभ नहीं है। किंतु राणा जी, ये राव सुल्तान इस योग्य नहीं है कि इसे समझाया जाए, देशद्रोही है ये। राणा जी, एक और आप इस समस्त राजपुताने को एकत्रित करने के लिए प्रयासरत है, संघर्ष कर रहे हैं। वही दूसरी ओर ये राव सुल्तान, इसने अपनी समस्त सेना की कमान बैरम खान के विश्वस्त मुगल सेनापति यूसुफ खान के हाथ में दे रखी है। राणा जी, यदि इसी समय इस देशद्रोही राव सुल्तान को तलवार से नहीं समझाया गया, की मानी सुल्तान हमारे समस्त राजपुताने को इन मुगलों को बेच देगा। राव जी, आपकी एक एक बात सत्य है, किंतु इस युद्ध से पहले हम अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए एक प्रयास अवश्य करना चाहते हैं, ताकि आने वाला इतिहास ये न कहे कि एक राजपूत ने दूसरे राजपूत के साथ युद्ध से पहले पर्याप्त प्रयास नहीं किए। जी राणा जी। राव सुल्तान सिंह, क्या उत्तर है तुम्हारा? यदि भीलों ने अपने जंगल में से मुगलों को निकलने दिया तो कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी मुगल सेना चित्तौड़ के मुख्य द्वार पर होगी। उसके पश्चात चाहे हम जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40,000 सैनिकों से सुसज्जित मुगल सेना, उसके सामने हमारी मुट्ठी भर मेवाड़ी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? याद है गुरुवर, आप ही ने हमें एक बार कहा था कि सेना चाहे कितनी बलशाली ही क्यों ना हो, कितनी विशाल ही क्यों ना हो, उसके संपूर्ण शक्ति का केंद्र बिंदु उसका सेनापति होता है। यदि वो सक्षम है तो सेना भी सक्षम होगी। जितना कुशल संचालक सेना का सेनापति होगा, उतनी ही सशक्त उसकी सेना भी होगी। कहा था ना आपने गुरु, हम आज भी इसी सिद्धांत पर अटल हैं। हम मुगल सेना को शक्तिशाली मानते हैं, इसलिए नहीं कि उसके पास 40,000 सैनिक हैं, अपितु इसलिए कि उसका सेनापति बैरम खान, जो इस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा,
सर्वश्रेष्ठ युद्ध संचालक है। गुरुवर, यदि युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले बैराम खान को मार दिया जाए तो? ये दोस्त है आपका, मुगल खेमे में घुसकर बैराम खान को मारने की योजना बना रहे हैं। ऐसी कल्पना करना, ऐसी योजना भी बनाना आत्मघाती योजना है, निसंदेह। किंतु गुरुवर, हम पकड़े जाने से पहले या मार दिए जाने से पहले बैराम खान को मारने में सफल हो गए तो हम अभी भी इस युद्ध की दिशा को हमारी सेना के पक्ष में मोड़ सकते हैं। गुरु, इस समय हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है।